31 HP का नहीं चलेगा वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन RPM तो तोड़ेगा ना यार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाइयों, जो आज का वीडियो है वो है मैसी फर्गुसन 7235 के रिव्यू का। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर लगभग चल चुका है 100 घंटे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें शायद दिख नहीं रहा, लेकिन ट्रैक्टर 112 घंटे चल चुका है। तो इसके रिव्यू की बात करेंगे कि भाई ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा क्या रहा। अपन ने इसको 112 घंटे, लोगों को पूरी इसकी जानकारी है कि कैसा क्या परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर बात करें ना, तो 35 HP का ट्रैक्टर है भाई। इसको निकल तो भाई न्यू हॉलैंड आ गया था, जिसका साइलेंसर पटा हुआ था तो बहुत आवाज़ आई थी। तो 35 HP का ट्रैक्टर है, पुरानी जो सेकंड जनरेशन का मैसी का जो लुक आता है ना, वही वाला लुक है। नया वाला बम्पर है, 6/16 के सामने टायर है और 13/6/28 के पीछे का टायर है। वैसे इसमें 12/4 के आते हैं, लेकिन आप 13/6 के भी ले सकते हो। तो वैसे आप देखोगे ना तो ट्रैक्टर काफ़ी छोटा दिखेगा आपको, ऐसा कोई बड़ा ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि 35 HP का ट्रैक्टर ट्रैक्टर है ही छोटा, तो भाई दिखेगा भी ना। देखो भाई, वीडियो मोड थोड़ा बहुत बड़ा दिखे तो भाई, पीछे से अगर आप देखोगे ना तो ये एक हब रिडक्शन ट्रैक्टर है। तो हब रिडक्शन जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि ये एक्सल आगे रहता है, टायर पीछे लगे रहते हैं, यहाँ पर बुल गियर लगा हुआ रहता है एक, जिससे कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए सबसे बेस्ट रहता है। आइसर 241, न्यू हॉलैंड 3230, न्यू हॉलैंड 3630, इनमें भी आपको हब रिडक्शन मिलता है, जो कि ट्रॉली के लिए बहुत बेस्ट है माना जाता है। तो मैसी ने भी अपना हब रिडक्शन निकाला 35 HP का ट्रैक्टर में। वैसे कंपनियां बड़े ऐसे ट्रैक्टर देती है, लेकिन इन्होंने 35 HP में निकाल दिया। पीछे की तरफ आप देखोगे ना तो कुछ आइसर के प्रकार की आपको हाइड्रोलिक्स है, बिल्कुल ही भाई आइसर वाली है। पूरा जो सिस्टम पीछे से देखोगे ना तो बिल्कुल आइसर वाले ही है। पट्टी देखोगे आइसर वाली है, हाइड्रोलिक की पट्टी, ये देखोगे आर्म तो आइसर वाले है। लिफ्ट का अपना देखोगे ना आप, टैंक वगैरह, तो वो भी आइसर वाले ही है। और सीट के नीचे भी अगर आप देखोगे ना तो वो भी आइसर, क्योंकि आपको जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, आइसर मैसी टेफे तीनों एक ही कंपनी बनाती है। मतलब ये मान के चलो तीन ही एक ही कंपनी है। पीछे वाला ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा आइसर का है। मतलब यहाँ से पीछे पीछे आइसर और यहाँ से आगे आगे मैसी, ये दो कंपनी दो ट्रैक्टर को मिला के बनाया उन्होंने ट्रैक्टर को। इसका मैसी में आपको बताओगे पंप पीछे आता है, लेकिन इसमें पंप आगे दिया है, क्योंकि ये आइसर है, ये मैसी नहीं है। इसका पीछे का हिस्सा आइसर से लिया, आगे का हिस्सा मैसी से लिया, और दोनों को मिला के बना दिया मैसी फर्ग्यूसन 7235। तो ये वाली कुछ कहानी है। सिंगल एक्टिंग आपको पावर स्टेयरिंग मिल रहा है 35 HP ट्रैक्टर में, साइड गियर मिल रहा है, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और ये चाहिए भाई। और परफॉर्मेंस का वीडियो इसका मैंने आ जाएगा 1-2 दिन में, तो आप वहाँ पे देख लेना इसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या है। सीट तो भाई बहुत ही वही मैसी वाली सीट है, यहाँ से तो आपको बिल्कुल मैसी दिखेगा, बस सीट थोड़ी सी ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा ऊपर कर दिया, इसलिए सीट ऊपर हो गई है। ट्रैक्टर से बड़ा तो उसका साइलेंसर है यार, कहाँ जा रहा है? देखो ये भाई, वहाँ पे साइलेंसर जा रहा है, ये देखो बहुत बड़ा साइलेंसर है, हाँ बहुत ज़्यादा ही बड़ा। और उसके बाद इसका एयर क्लीनर आगे की तरफ दिया गया है, मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। अब आप बोलोगे भाई ट्रैक्टर के इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, जैसे ट्रैक्टर की लंबाई हो गया, तो भाई इसकी लंबाई वगैरह की क्या जरूरत हो, तो आप जाके ट्रैक्टर जंक्शन पे भी देख सकते हो। लेकिन मेन होता है ट्रैक्टर के बारे में, मतलब उस कैसा है उसके बारे में जानकारी। मैं आपको थोड़ी सी प्लेट भी दिखाता हूँ, फोकस कर ले भाई। मैसी फर्ग्यूसन 7235 DI 5/2022 का मेड, इंजन नंबर 36 नंबर, नीचे मैक्सिमम PTU 22 kW। अब 22 kW को मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। तो भाई साहब 29 HP की PTU मिलती है 35 HP का ट्रैक्टर में, 29 HP, और इसमें आपको 1000 RPM वाला PTU मिलेगा, वो 540 वाले नहीं, ये 1000 वाला। इसमें आपको 21 दाते मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे, जो स्वराज में आता था ना पहले वही वाला। और उसके बाद अपन बात करें ना, तो ये रहा इसका PTU का गियर, जो कि कुछ अजीबो गरीबी है, ये लग गया नीचे, चल जा भाई, ये न्यूट्रल हो गया, ऑफ हो गया, मतलब हाइड्रोलिक के कंट्रोल इधर हो गए। और ये टंकी है भाई इसकी 47 लीटर की, 45-47 लीटर समथिंग इसमें आ जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही अपने तार वगैरह है, और नीचे एक छोटा सा इंजन देखने के लिए मिलेगा आपको 3 सिलेंडर का, उसके साइड में आर्मेचर, अल्टरनेटर, उसके ऊपर कवर, रेडिएटर, रेडिएटर के ऊपर ही आपको उसका डब्बी मिल जाएगी कूलेंट के, रिजर्वायर,
सामने आपको ऑयल बाट टाइप एयर क्लीनर, उसके सामने आपको बैटरी मिलेगी। बैटरी ट्रैक्टर में सामने कर दी है मेसी ने, ये काम अच्छा किया। पहले यहाँ पर बैटरी आती थी ना, अब उसको सामने कर दिया, क्योंकि ट्रैक्टर की लंबाई भी सामने थोड़ी सी, मतलब बैटरी की लंबाई से वो पीछे तो कम हो गए, लेकिन सामने उन्होंने बैटरी लगा दी। अब इसका क्या ही वजन भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं बैटरी का वजन देता है 10-12 किलो की बैटरी, क्या ही वजन रहेगा 10-12 किलो, वहाँ पर बता दो मुझे। वो तो सब ठीक है, लेकिन इसको निकालने में बहुत समस्या आई है, वो समझ लेना। और इसको मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, जैसे ये यहाँ पर मेंटेनेंस की समस्या आएगी। छोटी सी बैटरी है, इधर आपको आप हाथ वगैरह ना दो, इसलिए एक कवर भी लगा हुआ है, ये रिजर्वायर आपने अगर डलेगा इंजन में ऑयल। और अब मेरे को ये ठीक से नहीं पता कि इसमें अलग से ऑयल डलता नहीं, साइड डलता है, यहाँ से आपके में डलेगा पंप में ऑयल, पंप में इसमें अलग से ऑयल डलता है, और यहाँ से जाएगा आपके इंजन में ऑयल, और यहाँ पर ऑयल वाला हो गया। और नीचे तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको डीजल फिल्टर, अपना ऑयल फिल्टर, इधर पानी के लिए, पानी अगर आ जाए तो उसके लिए, और कुछ नहीं है भाई, ट्रैक्टर पूरा खाली है। इसके अलावा आपको ट्रैक्टर में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लच प्लेट बड़ा, कितना बड़ा लग रहा है भाई, इतना बड़ा है नहीं वो, वैसे लगभग 8-10 इंची का क्लच प्लेट है इसके अंदर। और ट्रैक्टर में सिंगल क्लच है भाई, अपन देख के बता देते हैं, ट्रैक्टर में सिंगल क्लच है यार, डबल तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन ये सिंगल क्लच है। ये देखो, ये पूरा एक बार में प्रेस हो रहा है, और ये अपना पीटीओ का यहाँ पर हो गया, हाई लो गियर इधर आ गए, और 1, 2, 3, 4, 8+2 का ट्रांसमिशन है, कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह के लिए ले रहे हो ना, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 35 HP का ट्रैक्टर है, छोटी मोटी ट्रॉली के लिए बोल रहा हूँ, बड़ी हैवी लोड ट्रॉली के लिए ट्रैक्टर भाई 35 HP का नहीं चलेगा, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन RPM तो तोड़ेगा ना यार, अब वो कहाँ पे जाएगा, मतलब ट्रैक्टर RPM तोड़ेगा ना, तो वहाँ पे आपको मज़ा बिगड़ जाएगा आपको भारी ट्रॉली पर। तो भारी ट्रॉली पर तो बड़ा ट्रैक्टर ही चाहिए। ये तो भाई कंपनी ने पता नहीं क्या सोच के निकाल दिया, क्या बना रहे थे, क्या बन गया, ये बिका भी नहीं वैसे कुछ ज़्यादा, बहुत कम सेल्स है इसकी, आइसर पीछे आइसर आगे मेसी। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये आपका दिमाग खराब कर देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसे मत लेना है, सीधी सी बात है, अपना 10-35 ले लो, आपको लेना है तो 241 ले लो, लेकिन आजकल इतने 45 HP सब ऊपर ट्रैक्टर लेते हैं, 45-50 के लगभग। तो इसको तो मेरे को किसी ने लिया भी नहीं, और इसको लेना भी नहीं, मैं तो यूँ बोलूँगा सीधी सी बात, क्योंकि किस काम में लोगे आप लोग, रोटावेटर मतलब पीटीओ काम आप इससे कर नहीं सकते। 29 HP की पीटीओ है, 21 दाते का, मतलब हजारों साल पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है, 35 HP का ट्रैक्टर है, छोटा सा ट्रैक्टर, क्या ही करोगे इसका अब यार। तो मेरे हिसाब से इसको मत लेना। तो हम जल्दी मिल रहे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।